या मैंने 250 ग्राम अंबाड़ी के फूल लिए हैं। इसकी सब्जी आती है पत्तों की, उसी के ये फूल है जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, तो मैंने उनको यहाँ पे ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसकी पंखुड़ियाँ सारी निकाल ली हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे निकालनी है। इस तरीके से आपको एक एक करके सारी पंखुड़ियाँ निकाल लेनी है। यहाँ मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं। ध्यान रखना है कि आप इससे ज़्यादा ना लें। यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है जिसको मैंने अच्छे से कस लिया है। आप चाहे तो बारीक काट के भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अपने स्वाद अनुसार नमक लेना है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच गुड़ लिया है। एक पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने पंखुड़ियाँ निकाल के रखी थी, वो मैंने अच्छे से पहले धो ली है। उसके बाद उसको थोड़ा सा सुखा के अब मैं उसमें इस गरम तेल में उसको डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और आप देख सकते हैं मैंने गैस को हाई फ्लेम पे रखा है। हम इसको कम से कम 30 सेकेंड के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे चला लेंगे और चलाते रहना है ताकि कुछ भी नीचे चिपके ना और ना ही ये पंखुड़ियाँ जलनी चाहिए। अब हम इसे ढक के रखेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हो मैंने गैस को कम कर दिया है, तो लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढककर पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं ये पकने के बाद थोड़ा सा गल गया है और एक प्यूरी जैसा बन रहा है, तो हमें बस ऐसे ही चाहिए इसको। अब यहाँ पे मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। अब अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसकी मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच गुड़ लिया है और इसमें अब हम सारे मसाले डाल देंगे और नमक डाल देंगे और जो लहसुन और ये सब है वो सब। अब मैंने इसको थोड़ी और 2 मिनट चलाया है और अब देख सकते हैं सारा गुड़ इसमें मिल चुका है, तो इसी स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर देना है और ठंडा कर लेना है। अब ठंडा होने के बाद मैं इसको एक छोटे मिक्सिंग जार में डाल के अच्छे से घुमा लूँगी। इसे एक प्यूरी के फॉर्म में बनाना है हमको। आप चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं, बट अगर आप प्यूरी के फॉर्म में बनाएंगे तो खाने में ज़्यादा आसानी लगता है और केचप जैसा उसका टेक्स्चर आता है। अब आप देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सिंपल सिंपल और टेस्टी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। धन्यवाद।